हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, विच इज द टॉपिक फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों, ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्टली फास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने से पहले पहले हम देखते हैं कि क्या है हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले टू सॉल्व दिस फास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोस्तों, इस टॉपिक के लिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस कंडीशन के लिए। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है ईएमएफ इंड्यूस्ड इफ स्ट्रेट कंडक्टर इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो दोस्तों, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर ट्रांसलेशनल मोशन में है, मतलब इसका मोशन है स्ट्रेट लाइन में, इसका मोशन इस तरह से रोटेशनल वाला नहीं है। तो अगर हमारे स्ट्रेट कंडक्टर का मोशन है ट्रांसलेशनल, तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड वाला फॉर्मूला आएगा इस तरह से। तो दोस्तों, ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगा हमारा ई इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। तो दोस्तों, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो हमारा ई एम एफ इंड्यूस्ड विल बी बी इंटू एल इंटू वी। तो दोस्तों, यहाँ पे ई मतलब है इंड्यूस्ड ई एम एफ, बी मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, एल मतलब है लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, और वी मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस कंडक्टर। तो दोस्तों, इस कंडीशन के लिए हमारा फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। देन इसके बाद दोस्तों, हमारा नेक्स्ट कंडीशन है ई एम एफ इंड्यूस्ड इफ स्ट्रेट कंडक्टर इज इन रोटेशनल मोशन। तो दोस्तों, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर रोटेशनल मोशन में है, तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आएगा? तो उस केस में हमारा फॉर्मूला आएगा ई इज इक्वल टू पी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ई मतलब है ईएमएफ इंड्यूस्ड, यहाँ पे बी मतलब सेम है मैग्नेटिक फील्ड, एल मतलब लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, और यहाँ पे इस v के बदले यहाँ पे आया है ओमेगा। तो ये ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस कंडक्टर। तो दोस्तों, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर इज इन रोटेशनल मोशन है, तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी v ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू। तो दोस्तों, ये दोनों है हमारे इंपॉर्टेंट कंडीशंस और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले टू सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो चलिए अभी हम देखते हैं इस टॉपिक पे पूछे गए पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम है अ रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ इज मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 5×10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड इज 5 m/s², देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाउ मच। और हमें ये ऑप्शंस दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है? तो यहाँ पे हमारा कंडक्टर का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, देन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी का वैल्यू दिया है 5×10⁻⁴, देन यहाँ पे दिया है एक्सेलरेशन जिसे कि हम वेलोसिटी के जैसे ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोस्तों, ये केस में सिर्फ एक्सेलरेशन दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो ये केस हो गया हमारा ट्रांसलेशनल मोशन वाला, मतलब ये है हमारा फर्स्ट केस। तो दोस्तों, ट्रांसलेशनल मोशन वाले केस में हमारा ई का फॉर्मूला क्या था? तो उस केस में हमारा ई का फॉर्मूला था ई इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। तो हमारा यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे बी का वैल्यू है 5×10⁻⁴ इंटू, अभी लेंथ क्या है? तो लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, ये सेंटीमीटर को यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे इन मीटर्स, तो वो क्या बन जाएगा 10×10⁻²। देन इंटू वी का वैल्यू क्या है? तो हमारा वी का वैल्यू है यहाँ पे 5। तो दोस्तों, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। तो दोस्तों, अब ये आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा? ये 5×5 बनेगा 25 इंटू ये 10⁻⁴ और 10⁻², तो वो बनेगा 10⁻⁶, और इंटू ये वाला 10 तो
एज इट इज आएगा। देन ये आगे क्या बनेगा, 25 इंटू 10^2, ये -6 और इसका पावर रहेगा 1, तो ये बनेगा 10^-5। तो दोस्तों अभी ये ऑप्शन कहीं पर मैच कर रहा है क्या, तो नहीं, तो हम इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं 25 को 2.5 में, तो ये बन जाएगा 10^-4। दोस्तों अभी हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, तो दोस्तों अभी ये आंसर के हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 2.5 इंटू 10^-4 वेलोसिटी पर सेकेंड। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है, अ स्ट्रेट कंडक्टर 0.1 मीटर लॉन्ग मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। तो दोस्तों ये टेस्ला मतलब सेम यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। देन फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो दोस्तों ये भी बहुत ही सिंपल सा सम है हमारे प्रीवियस सम के जैसा ही, जो कि पूछा गया था प्रीवियस ईयर के सीईटी में। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन क्वांटिटीज है, इस कंडक्टर का लेंथ है 0.1 मीटर, तो ये हो गया हमारा एल का वैल्यू। देन ये है मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी का वैल्यू जो कि है 0.1 टेस्ला, और हमारा वेलोसिटी का वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि है E इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यही पर पॉज कीजिए और फटाफट ये कैलकुलेट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर राइट है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है, अ बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट इन अ रीजन वेयर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 5 × 10^-5 टेस्ला ड्यू नॉर्थ एंड हॉरिजॉन्टल। द बोट कैरीज अ वर्टिकल एरियल ऑफ 2 मीटर लॉन्ग। इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर ऑफ एरियल, और हमें ये ऑप्शंस दिए हैं। तो दोस्तों अभी ये एरियल मतलब क्या, तो अगर इस तरह से है हमारा ये बोट, तो इसके ऊपर यहाँ पे ये जो अटैच किया होता है उसे हम कहते हैं एरियल। तो दोस्तों इसका जो लेंथ है इसमें से हमारा मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, और इस तरह से है हमारा वेलोसिटी ऑफ दिस बोट। तो दोस्तों इसका जो लेंथ है मतलब जो एरियल का लेंथ है उसे हम कंसीडर करेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी का वैल्यू दिया है, देन ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है मतलब एल का वैल्यू है, देन स्पीड ऑफ बोट मतलब हमें यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू दिया है। तो दोस्तों ये भी हमारा एग्जैक्ट सेम सम है, तो हमें यहाँ पे ईएमएफ फाइंड करना है और हमें बी एल और वी का वैल्यू दिया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अभी वीडियो को पॉज कीजिए और फाइंड कीजिए E इज इक्वल टू बी एल वी का यूज करके क्या आता है हमारा फाइनल आंसर, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर राइट है। देन इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है, अ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर मिनट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। इफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर इज 2 वोल्ट्स देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इन टेस्ला इज हाउ मच, और हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पहले तो लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर जिसे कि हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, देन हमें वेलोसिटी दिया है 300 मीटर पर मिनट। तो दोस्तों हमें वेलोसिटी दिया है 300 मीटर पर मिनट, तो दोस्तों हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा डिवाइड बाय 60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। सो यहाँ पे 65 × 300, तो हमारा वेलोसिटी बन जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो हमारा ये बन गया वेलोसिटी का वैल्यू, देन हमें ये दिया है एल का वैल्यू, और हमें यहाँ पे ई का वैल्यू दिया है 2 वोल्ट, और हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू।
तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या था? तो हमारा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। तो हमें यहां पे फाइंड करना है B का वैल्यू। तो अभी B का वैल्यू क्या आएगा? तो वो आएगा E अपॉन, ये एल भी जाएगा यहां पे अपॉन में। तो दोस्तों ये E का वैल्यू क्या दिया है? तो E का वैल्यू है 2 अपॉन में L का वैल्यू, L का वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। तो वो आएगा 50 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 इंटू वेलोसिटी का वैल्यू है 5। तो दोस्तों अभी आगे ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? तो अगर हम ये 10 रेस टू माइनस 2 को यहां पे ऊपर लेंगे तो वो बनेगा 10 रेस टू 2। सो 2 इंटू 10 रेस टू 2 मतलब यहां पे आएगा 100 और अपॉन में है 50 इंटू 5। तो यहां पे अगर हम 50 से कट करेंगे तो यहां पे आएगा 2। सो 2 इंटू 2 मतलब आएगा 4 और अपॉन में है 5। तो दोस्तों अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर एज 0.8 और इसका यूनिट आएगा टेस्ला। तो दोस्तों यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया हमारा 0.8 टेस्ला। तो दोस्तों इसमें से हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है एन एयरक्राफ्ट विथ अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर फ्लाइज विथ अ स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन एट कॉन्स्टेंट अल्टीट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 1.75 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 टेस्ला। देन फाइंड द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स और हमें ये ऑप्शंस दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक एयरक्राफ्ट दिया है जिसके विंग्स का लेंथ है 40 मीटर। तो ये बनेगा हमारा लेंथ का वैल्यू। देन हमें दिया है स्पीड किलोमीटर पर आवर में जिसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मीटर पर सेकेंड। तो चलिए पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें V का वैल्यू क्या दिया है? तो हमें V दिया है 1080 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अभी इसे हमें कन्वर्ट करना है इन मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 1000 और अपॉन में आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को बाय 3600। तो दोस्तों अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? ये दो जीरो तो डायरेक्टली कट हो जाएंगे। तो अगर हम इसे 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 और इसे 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 18। तो दोस्तों हमें क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है बाय 5 बाय 18। तो दोस्तों अगर आपको पॉसिबल हो तो आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हैं। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है बाय 5 बाय 18। तो दोस्तों अब ये आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा? 1080 इंटू 5 अपॉन 18। तो दोस्तों अगर हम इसे 9 से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 टू जा और यहाँ पे आएगा 1, देन यहाँ पे आएगा 2, देन 0, देन अगेन 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60। सो 60 इंटू 5 बनेगा यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों हमारा वेलोसिटी आ गया 300 मीटर पर सेकेंड। देन हमें यहाँ पे लेंथ भी दिया है और हमें मैग्नेटिक फील्ड मतलब B का वैल्यू भी दिया है और हमें फाइंड करना है EMF। तो दोस्तों इस केस में अभी E का वैल्यू कैसे आएगा? पहले आएगा B जो कि है 1.75 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 इंटू लेंथ है इस केस में 40 इंटू वेलोसिटी है 300। तो दोस्तों इसे अभी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों ये क्या आएगा अभी 1.75। देन दोस्तों अभी इसमें से मैं सिर्फ ये 4 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो बनेगा 12 इंटू इसमें से ये 10 और ये 100 बचे हैं जो कि बनेगा 10 इंटू 100 मतलब 1000। तो 1000 मतलब होते हैं 10 रेस टू 3 इंटू 10 रेस टू ये है माइनस 5। तो दोस्तों अभी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 21 इंटू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा
थ्री माइनस फाइव करके टेन रेस टू माइनस टू। तो दोस्तों 21 इंटू टेन रेस टू माइनस टू मतलब ये बनेगा 0.21 वोल्ट्स। तो दोस्तों इस केस में हमारा ईएमएफ जनरेटेड विल बी 0.21 वोल्ट्स। तो हमारा ये ए ऑप्शन राइट है। देन हमारा नेक्स्ट सम है, इफ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अ डायनेमो आर्मेचर इज डबल्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बिकम हाफ, टू टाइम्स, फोर टाइम्स और विल रिमेन अनचेंज्ड। तो दोस्तों इस रोटेशनल वाले केस के लिए हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? तो हमारा फॉर्मूला है पी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू। तो दोस्तों इस केस में ईएमएफ और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन कैसा है? तो यहां पे ईएमएफ और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे को है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या है? अगर ये ओमेगा का वैल्यू बढ़ता है तो ये ईएमएफ का वैल्यू भी बढ़ेगा, और अगर ये ईएमएफ का वैल्यू बढ़ता है तो ये ओमेगा का वैल्यू भी सेम वे में बढ़ेगा। तो दोस्तों इस केस में क्या हुआ है? रोटेशनल वेलोसिटी मतलब ओमेगा का वैल्यू हुआ है डबल, तो हमारा ओमेगा बन गया है यहाँ पे 2 ओमेगा। तो इस केस में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बन जाएगा 2e। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बिकम 2 टाइम्स। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाउ मच। और हमें दिए है ये वाले ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हमें क्या दिया है? एक सर्कुलर वायर। तो दोस्तों कंसिडर करो कि ये एक सर्कुलर वायर है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसके प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, यहां से आते हुए वो यहां से होगा पास। तो दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर भी प्रेजेंट रहेगा, बट इसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? बस ये इतना वाला। तो दोस्तों अगर ये सर्कुलर वायर रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो इसके एक्सिस के अराउंड ही वो इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो अगर ये इस तरह से रोटेट करेगा तो इसमें से पास होने वाले ये मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी चेंज होगा क्या? तो इसमें से पास होने वाला ये मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा सेम। तो दोस्तों जब तक इसमें से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट चेंज नहीं होगा तब तक इस केस में कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए इस केस में जब ये सर्कुलर वायर अपने ओन एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा तो इस केस में कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है 0। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट होते हैं हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज अ टॉपिक फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस सॉल्व मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर आपको आज के इस टॉपिक में जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों अगर आपने इस पीवाईक्यू सीरीज के बाकी सारे वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन में। और अगर आपको सीईटी के बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।